हे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आज की सुबह में। छोटी छोटी बातें हैं जो शेयर करना चाहता हूँ, जो मुझसे गलती हुई या आपके साथ भी गलत हो सकता है। पहले मैं कहाँ पे हूँ ये बता देता हूँ। मैं अभी पुणे में हूँ, स्क्रैप लोड करने के लिए आया हूँ। आज का माल बड़ा ही यूनिक है, तो पहले दिखा देता हूँ। एक बात है वो बोलनी है। After I'll tell you what is exact scrap, actually जो स्टील होता है ना, वेस्ट मटेरियल, उसको बड़ा ही बारीकी से कटिंग करते हैं, पीसते हैं और इस तरह का निकलता है। ये पूरा स्टील है गाइस, ये पूरा स्टील है। स्टील कितना बारीकी से कटिंग करते हैं और ये रहा, ऐसे बॉक्सेस बनाते हैं और फिर लोडिंग करते हैं वहाँ पर। ये काफ़ी भारी भारी। चलो इसी बहाने मैं अपना दुख दर्द आपसे बांट लूँ। ट्रेजेडी कह सकते हैं इसका, छोटी मोटी ट्रेजेडी हुई है मेरे साथ पिछले 2-3 दिनों में। एक्चुअली हुआ ऐसे कि मैं थक गया था ड्राइविंग कर करके, और जो मेरे गाड़ी में था ना, एक पिछला एक टायर है उसमें हवा भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि हवा भर के जाता हूँ। सुबह के 5 बजे थे तो मैं हाईवे पे रुक गया, पुणे के हाईवे पे सुबह के 5 बजे थे, और मैं आधा घंटा सो गया। उतने में ही किसी ने दरवाज़ा ठोका और मैं उठ के जाकर देखा मैंने, तो सारा डीजल चोरी हो गया था। मैं ना 10 मिनट तक सुन हो गया, मतलब वापस आके सीट पे, स्टेयरिंग सीट पे बैठा, और बैठने के बाद कुछ नहीं, एकदम आराम से चुपचाप बैठा रहा, देखता रहा, सोचता रहा कि एक्चुअली गलती हुई कहाँ। इसीलिए आपको बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी पार्किंग हो, एक्चुअली मैं ट्रक चलाता हूँ, तो जहाँ पे भी पार्किंग हो वहाँ पर पार्किंग में खड़े करें गाड़ी को अपनी, कहीं पे भी बिल्कुल तो ऐसा हुआ, बहुत मुश्किलें काटी मैंने उसके बाद। आपको भी बताना चाहता हूँ, जो भी मुझे देख रहा है ना, बी सेफ। यहाँ पे बहुत ही बेकार, वाहियात, खतरनाक चोर रहते हैं सिटीज़ में खासकर। पोल्यूशन पहले ही सिटी को खा रहा है, ऊपर से लोग भी खा रहे हैं दूसरों को। भाई हमारा देश, अरे कुछ काम करके कमा लो लोग, कुछ तो काम करके कमा लो। मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी चोरी कर सकता हूँ। मैं ही मिला था आप लोगों को चोरी करने के लिए। अरे यार भाई, बहुत नुकसान किया तुम लोगों ने, बहुत बहुत नुकसान। जो मुश्किल में पड़ा हूँ ना मैं, उसके बाद ऊपर वाला एक दिन देखेगा, आप सबको गिन के देखेगा, जितनों ने भी मेरा डीजल चोरी किया है ना, सबको लाइन में देखेगा। तो मैं सबको बताना चाहता हूँ, बी केयरफुल, कहीं पे भी गाड़ी मत खड़ी कीजिए, चाहे छोटी गाड़ी हो या बड़ी गाड़ी हो। पैसा लगेगा, थोड़ा ज़्यादा नहीं लगेगा, 50 रुपये पार्किंग रहता है, लगा दो वहाँ पे, आराम से सो जाओ अगर आप थक गए हो। कहीं पे भी गाड़ी मत खड़ा कीजिए, क्या पता कल को गाड़ी के समेत आपको भी उठा के लेके जाए। चोर इस लेवल के बढ़ गए हैं ना, कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है किसी को भी, बस ऐसा ही होता है यहाँ पर। तो वो बोलते हैं ना, अगर औरत के पेट में अगर कोई सीक्रेट बात हो गई तो उसको पेट में दर्द होने लगता है, मैं किसको बताऊं। तो मैंने सोचा आप इसे शेयर कर देता हूँ। बड़ी विचित्र घटना हुई हमारे साथ भाइयों, फिर भी हमने हिम्मत हारी नहीं, वापस से हौसला जोड़ा और वापस लोडिंग करने के लिए आ गए। कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया सो हो गया। बस एक छोटी सी सीख सीखने के लिए इतना सारा नुकसान हुआ। चलो गाड़ी लोड करते हैं और जाते हैं कहीं पे। रही पुणे सिटी, और ये मेरी आखिरी ट्रिप थी। इसके बाद सेठ को जो नुकसान हुआ मेरे वजह से, तो उन्होंने बोला भाई तो अपना बुरे बिस्तर बांध और घर जा,
और आराम कर। और हम जब से आराम कर रहे हैं ना, अब तक आराम ही कर रहे हैं,